हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अपने देश भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है, वो देश का प्रथम नागरिक है और विधायिका से लेकर के न्यायपालिका तक तीनों सेनाओं का वो प्रमुख होता है। लेकिन जब भी अपने देश में सैलरी की बात चलती है तो एक दूसरे से तुलना की जाने लगती है। राष्ट्रपति को भी कहीं ना कहीं इस बात की टीस रहती है। राष्ट्रपति को यूं तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो खुद बता रहे हैं कि उनकी सैलरी इस समय शिक्षक से भी कम है, अधिकारियों से भी कम है। सुनिए उन्हीं के मुँह से। यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3,50,000 रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5,00,000 मिलता है, उसमें से हर महीने 3,50,000 निकल जाता है, बचा कितना, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड है आखिर इन्हीं से विकास होना है। तो जैसा कि आपने सुना, वो खुद बता रहे हैं कि इस समय जो उनकी सैलरी मिल रही है वो 2.25 लाख के आसपास, 3.25 लाख तो टैक्स कट जाता है। संदर्भ कुछ ऐसा था कि वो अपने गांव परोख जाते हुए झिझक में रुके थे, एक कार्यक्रम था, उसमें बात आई कि ट्रेन जो है अब नहीं रुक रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा रुकने लगेगी, लेकिन लोग जो रुकवाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन तोड़फोड़ करते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं जो आप ही के टैक्स से बना हुआ है। फिर वो अपना संदर्भ देते हैं कि देखिए, चूंकि ये पब्लिक डोमेन की बात है, मैं देश का राष्ट्रपति हूँ तो मुझे 5,00,000 सैलरी मिलती है कहने को, लेकिन मैं 3.25 लाख टैक्स भी देता हूँ। वो टैक्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बताएंगे कैसे वो 3.25 लाख टैक्स दे रहे हैं। 5,00,000 3.25 लाख टैक्स बन ही नहीं सकता, लेकिन ये बात सही है कि उनको इस समय सैलरी 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास ही मिल रही है। और फिर आगे वो समझाते हुए चले जाते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। 7वां वेतन जब आयोग की सिफारिश आई तो उसमें जो है कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी 2.5 लाख प्लस हो गई, जो कि ब्यूरोक्रेसी का मुखिया है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी 2,80,000 हो गई। इसके बाद सवाल उठे कि जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा देश का पहला नागरिक है उसकी सैलरी 1.5 लाख कैसे रह सकती है, लिहाजा उसको बढ़ा करके 5,00,000 किया गया। इस समय भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5,00,000 है। लेकिन हुआ क्या है कि अभी जब 5,00,000 पे 30% वाले स्लैब में जब वो आएंगे तो उनका टैक्स लगभग 1.5 लाख के आसपास बैठ जाएगा इनकम टैक्स, और कोरोना के दौर में उन्होंने जो है अपनी सैलरी का 30% कम कर लिया था खुद ही, मतलब एक उदाहरण पेश किया था, और इस तरीके से उनकी सैलरी का जो है 3.25 लाख के आसपास कटने लगा। सुनिए जो एक्सपर्ट हैं हमारे, विनोद रावल जी जो CA हैं, जाने माने CA हैं, वो क्या बता रहे हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कल कानपुर जाते हुए जब स्टॉप ओवर लिया तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई हूं इस कंट्री का और मुझे 5,00,000 रुपए सैलरी मिलती है, इसकी तो चर्चा होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो टैक्स देता हूं 3.25 लाख रुपए उसके बारे में कोई बात नहीं करते। हालांकि उन्होंने कहा कि जो टैक्सेस हैं वो विकास के काम आते हैं, विकास उन्हीं से होता है। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि 5,00,000 में से 3.25 लाख टैक्स कैसे बनता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महामहिम ने जो 5,00,000 सैलरी में से 30% सैलरी कट लिया था लास्ट ईयर, उन्होंने खुद ही प्रमोलगेट किया था इसको, तो वो उसको ऐड करके बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी ही 5,00,000 से 3.5 लाख हो गई थी, तो 1.5 लाख कम मिलता है कोविड की वजह से, और प्लस जो 3.5 लाख पर जो टैक्स देना पड़ता है उसका मिलाकर बनता है, तो 3.25 लाख रुपए उन्होंने
उस तरह से कैलकुलेट किया इसको। तो मेरा ख्याल है राष्ट्रपति जी ने एक मैसेज दिया है सबको कि हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि देश का विकास अच्छा हो सके। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, अब बात ये आती है कि भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख सैलरी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो कहने के लिए 5 लाख की सैलरी है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो इस पे एक रिपोर्ट सुनिए। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए सैलरी के अलावा उनकी पत्नी को भी 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है, जो रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। साथ में निःशुल्क चिकित्सा, आवास, पूरी ज़िंदगी निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। स्टाफ, खाना, मेहमान नवाजी जैसे तमाम खर्चे भी केंद्र सरकार उठाती है। देश के राष्ट्रपति को बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज के अलावा 2 लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन, 5 पर्सनल स्टाफ, 1 निजी सचिव मिलता है। उन्हें ट्रेन और हवाई सफ़र की सुविधा मिलती है। देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में 200 से ज़्यादा सहायक मिले हुए हैं। राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में 754 लोग, 9 निजी सचिव, 27 ड्राइवर, 64 सफाई कर्मी, 8 टेलीफोन ऑपरेटर काम करते हैं। साल 2014-15 में जो आंकड़ा मिला था RTI के हवाले से, उसके मुताबिक इन सारी सुविधाओं पे 41.96 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, यानी कि 42 करोड़। किसान राष्ट्रपति भवन के रखरखाव समेत तमाम सुविधाओं पे 100 करोड़ से ज़्यादा का खर्च होता है। इसमें विदेश यात्राएं शामिल नहीं हैं। यदि बात करें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की, तो वो खर्च करने वालों में नंबर 1 थी। उन्होंने विदेश यात्राओं पे कुल 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो भी केवल 12 विदेशी यात्राएं की थी। उन्होंने 22 देशों का दौरा किया था। तो जैसा कि आपने सुना और देखा, भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख सैलरी के अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई है। ये बात अलग है कि कोरोना की वजह से वो 30% उन्होंने खुद ही अपनी सैलरी कम कर ली है और कुछ इनकम टैक्स कट जाता है, इसलिए वो इस समय ब्यूरोक्रेट्स और शिक्षकों से भी सैलरी कम पा रहा है। जिस समय वो शिक्षक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इशारा प्रोफेसर से है जिनकी सैलरी ब्यूरोक्रेट से भी ज़्यादा है या उनके बराबर है। तो यही वो बात व्यक्त कर रहे हैं, यही टीस वो उस समय बता रहे होते हैं कि कृपया जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान मत पहुंचाइए। हम सबसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं तो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।